स्वागत है सभी का मीटू चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ हमर के बारे में डिस्कस, कितने प्रकार के पाए जाते हैं पिन के हिसाब से। लास्ट क्लास में हमने बॉल पिन हैमर के बारे में डिस्कस किया था, हम लोगों ने इसके पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन को देखा था, इसके एप्लीकेशन को देखा था, इसके साइज स्पेसिफिकेशन को देखा था और हैमर से रिलेटेड जो सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हैमर। तो टाइप्स ऑफ हैमर जो पिन के हिसाब से होता है, पिन जो पोर्शन हैमर का ये पोर्शन है, अभी ये डायग्राम देख पा रहे हैं, एक बॉल पिन हैमर का डायग्राम है ये। तो इसका जो पिन पोर्शन है पार्ट नंबर 3 जो एक बॉल टाइप का, इसलिए इसका नाम पड़ा है बॉल पिन हैमर। जैसा आप यहाँ इस बॉल पिन हैमर का देख पा रहे हैं, इसका पिन पोर्शन बॉल जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ा है बॉल पिन हैमर। तो सेम है, इसी पिन के आधार पे पिन के टाइप में 3 प्रकार के हैमर पाए जाते हैं, जिनका नाम, एक का नाम बॉल पिन हैमर, दूसरा नाम है क्रॉस पिन हैमर, तीसरा स्ट्रेट पिन हैमर, और एक हैमर है जो पिन के हिसाब से नहीं आता लेकिन टॉपिक में था इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ उसको, ग्लो हैमर। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनका जो पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन जो होता है वो देखने में सेम एज बॉल पिन हैमर जैसा ही होता है। ठीक है, बाकी जो बॉल पिन हैमर में पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक अंतर क्या होता है, इसका जो पिन पोर्शन होता है वो डिफरेंट हो जाता है। हमारे एक प्रकार का जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला सिंपल एक कॉमन, ठीक है, कॉमनली यूज जो वर्कशॉप में यूज़ होता है, एक कॉमन हैंड टूल्स है बॉल पिन हैमर, जो ज़्यादातर स्टैकिंग वर्क में, पंचिंग वर्क में, मार्किंग वर्क में, बेंडिंग, ठीक है, और ये फोर स्टील से बना होता है, टॉप फोर स्टील से। ठीक है, इसका जो हैंडल होता है ज़्यादातर लकड़ी का ही पाया जाता है, और इसका जो वेट होता है जो हैमर का मेन स्पेसिफिकेशन में आता है वो आपका 125 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक होता है। वेट कहने का मतलब हैमर का ये जो हेड पोर्शन है इसका वेट। तो स्ट्रेट पिन हैमर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं क्रॉस पिन हैमर को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेट पिन, अभी क्रॉस पिन हैमर समझ लीजिए, उसके बाद आसानी से आपको स्ट्रेट पिन हैमर समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस पिन हैमर जिसका पिन पोर्शन जो है वो हैमर के ये जो हैंडल है इसके अक्रॉस होता है, मतलब क्रॉस होता है। बाकी जो पोर्शन बॉल पिन हैमर में पाए जाते हैं सेम इसमें पाए जाते हैं, जिसका जो पिन पोर्शन है वो क्रॉस होता है। देख पा रहे हैं आप, ये हैमर के हैंडल के अक्रॉस से क्रॉस है आपका, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रॉस पिन हैमर। और इसका जो वर्क हम लोग स्टैकिंग वर्क में करते हैं, मेटल को स्ट्रेचिंग करने में करते हैं, क्या मेटल के थिकनेस को बड़ा करना है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये कोई मेटल हमारा सॉफ्ट मेटल, इसको हम इसका लेंथ को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस प्रकार अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग मेटल में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और स्टैकिंग वर्क, और कॉर्नर पोर्शन में अगर स्टैकिंग करना है वो भी हमारे इस क्रॉस पिन हैमर के द्वारा होता है। और इसका जो वेट है, जो हैमर के हेड का जो वेट है ये 125 ग्राम से लेकर के 1 kg तक पाया जाता है। नेक्स्ट हैमर आते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। तो स्ट्रेट पिन हैमर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेट पिन हैमर का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो क्रॉस पिन हैमर का जो पिन पोर्शन है वो हैंडल के आई होल के हैंडल के अक्रॉस है, मतलब क्रॉस है, लेकिन स्ट्रेट पिन का जो पिन पोर्शन है वो इसके चेक के पैरेलल रहता है। ओके, जो हैंडल के पैरेलल होता है। स्ट्रेट पिन का जो पिन पोर्शन होता है, अगर इस स्ट्रेट पिन को मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, तो इस स्ट्रेट पिन पोर्शन को मैं अगर आपको यहाँ सामने की तरफ फेस की तरफ अगर मैं कर दूं सीधा पैरेलल इस प्रकार का, तो ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर दिखेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट पिन हैमर का, देख पा रहे हैं। नेक्स्ट एक हैमर है क्लो हैमर। क्लो हैमर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें एक क्लो टाइप का पोर्शन पाया जाता है। ठीक है, एक स्प्लिट पोर्शन पाया जाता है, देख पा रहे हैं, बीच से कटा हुआ है,
इसका काम ज़्यादातर हम लोग काटी वगैरह को निकालने के लेस को, ठीक है, निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसका जो बाकी जो पोर्शन है वो बॉल पिन हैमर से सेम दिखता है, जैसे कोई एक लकड़ी का टुकड़ा में यहाँ नेस लगा हुआ है। इसको निकालने का प्रोसेस ये है कि ये प्रो पोर्शन इसमें जा करके हम इंसर्ट कराते हैं, इसको लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद हम इस तरह अप्लाई करते हैं तो आसानी से हम इसको काटी को निकाल सकते हैं, ठीक है, नेल्स ब्रेक जिसको हम करते हैं, ठीक है। तो क्लो हैमर का यही प्रयोग ज़्यादातर होता है, और इसका ज़्यादातर आपको काम जो है वो मेसनरी वर्क में, सिविल वर्क्स में ज़्यादातर किया जाता है। और आशा करते वीडियो आपको समझ, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।